पल पल के दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस ने कल 26 मार्च से परिवर्तन यात्रा आरंभ करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस के सभी दिग्गज एकजुट हैं। लेकिन इस यात्रा से कुलदीप बिश्नोई ने दूरी बनाई। हालांकि वे दिल्ली में हैं, कल शाम को उनको आईपीएल का मैच जो फिरोजशाह कोटला दिल्ली के मैदान में हुआ देखते हुए देखा गया। आज जब पत्रकारों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर से इस संबंध में जानना चाहा, तो उन्होंने बड़े ही व्यंगात्मक ढंग से यह कह दिया कि जो कांग्रेस जन इस बस में हैं, वह असली हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि असली व नकली कौन है? क्या जो बस की यात्रा नहीं कर रहे वह कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता नकली हैं, या दाल में कुछ काला है, या कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीति की बिसात भाजपा के साथ बिठा रहे हैं? दोस्तों, पिछले दो सप्ताह का जो घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति, विशेषकर कांग्रेस की राजनीति में दिखाई दे रहा है, उससे तो यह दिखाई देता है कि विशेषकर कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं कांग्रेस से। शायद वह कांग्रेस से विपक्ष का नेता पद अब लेना चाहते हैं। अवश्य गैर जाट का जो चेहरा है उसकी घोषणा करवाना चाहते हैं, अथवा अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। अगर उनकी कांग्रेस शर्तें नहीं मानती तो वे भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नई सेटिंग की ओर जा रही है। कुलदीप बिश्नोई जो पिछले कई वर्षों से कम तीन पार्टियां बदल चुके हैं, वह 2004 में कांग्रेस में थे, लेकिन जैसे ही चौधरी भजन लाल के स्थान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जब कांग्रेस ने बड़ी जीत प्राप्त की थी, तो उसके बाद से भजन लाल परिवार कांग्रेस से नाराज चला रहा था। 2009 के चुनाव से पूर्व उन्होंने हरियाणा जनहित पार्टी के नाम पर अलग पार्टी बना ली। वह 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा जनहित पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में वह गठबंधन टूट गया। इस प्रकार उन्हें फिर अपनी राजनीति दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए, जब वे व उनकी धर्मपत्नी दो ही विधायक केवल हरियाणा विधानसभा में पहुंचे, तो उन्होंने अंत में कांग्रेस में शामिल होकर अपनी राजनीति कांग्रेस के मंच से आरंभ कर दी। लेकिन शामिल होते समय जो उनसे शर्तें रखी गई थी, अथवा कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस हाईकमान के सामने जो शर्तें रखी थी, शायद वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए वे दिनों दिन कांग्रेस से दूर होते नजर आ रहे हैं। अगले कुछ दिन कुलदीप बिश्नोई व कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखते रहिए पल पल। आज इतना ही, नमस्कार। कांग्रेस एक तो हमेशा ही एक तो सब अपने अपने कांग्रेस में है वो हमारे साथ। कांग्रेस एक तो हमेशा ही एक तो सब अपने अपने कांग्रेस कांग्रेस में है वो हमारे साथ। कांग्रेस एक तो हमेशा ही एक तो सब अपने अपने कांग्रेस 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 एक तो हमेशा ही एक सब अपने अपने कांग्रेस एक तो कांग्रेस सब अपने अपने कांग्रेस कांग्रेस में है वो हमारे साथ।